हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सचिन बंसल फ्रॉम एस वेल अपडेट्स। बहुत सारे बच्चे आप में से क्वेश्चन कर रहे थे कि सर पास परसेंटेज क्या होती है एस वेल में पासिंग पर क्राइटेरिया क्या होता है। तो मैं आपको उस बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। एस ओ एल में 40% इज द पास क्राइटेरिया, यानी कि आपको सारे सब्जेक्ट में मिला के, फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के जो भी हैं आपके, उसमें सबको मिला के 40% नंबर बनने चाहिए उस ईयर में। अगर आपके टोटल 40% बन रही हैं तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए एलिजिबल हैं, नेक्स्ट ईयर में पहुंच गए। अगर आपके किसी एक सब्जेक्ट में 40 से थोड़े कम बन रहे हैं, बाकी ऑल ओवर 40 हैं, तब भी आप पास हैं। यानी आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 40 नंबर लाने की जरूरत नहीं है, अगर आपके ऑल ओवर भी 40% नंबर हैं तो आप पास हो जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है, सर मेरे 100 में से 5 नंबर आए हैं इस सब्जेक्ट में, मुझे फेल कर दिया, जबकि मेरे ऑल ओवर बन रहे हैं 40%। तो सर आप फेल ही होंगे उस सब्जेक्ट में, आपकी जो नंबर है वो बिलो बिलो पुअर है। तो ऐसी ऐसी हालत में आपको पास करना तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है, तो आपको वो सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, उस सब्जेक्ट में आपको ईआर देना पड़ेगा। अब समझ लेते हैं ईआर कब देना पड़ता है। ईआर अगर आपके किसी सब्जेक्ट में आया हुआ है तो वो आपके पेपर जो भी ईआर के हैं वो नेक्स्ट ईयर होंगे, यानी कि आप पास हो चुके हैं, इस बात की चिंता छोड़ दीजिए। जैसे आप सपोज फर्स्ट ईयर में आपकी ईआर आई है, ओके, अब सेकेंड ईयर में आप एलिजिबल हो चुके, पास हो चुके, आप सेकेंड ईयर में पहुंच गए। अब अगले साल सेकेंड ईयर के मई में जब पेपर होंगे, उसी समय आपके ईआर के फर्स्ट ईयर के पेपर भी होंगे। साल में एक बार ही पेपर होते हैं, मई जून में होते हैं एसओएल की ग्रेजुएशन में, इस बात को समझ लीजिए। हर पेपर कितने मार्क्स का होगा ये भी क्वेश्चन मेरे पास आया, तो क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं। आपके पास एक सिलेबस की बुकलेट होगी, नहीं है तो आप एसओएल की वेबसाइट पे जाइए और वहां से डाउनलोड कर लीजिए, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जो सिलेबस है वो आपकी फर्स्ट की है एसओएल की, एसओएल के सब्जेक्ट के बारे में, जहां आपके जो ईयर के सब्जेक्ट हैं वो आपको कैसे पता चलेंगे, सिलेबस की मदद से ही पता चलेंगे। तो अगर आपके सिलेबस नहीं है तो ये बहुत ही दिक्कत वाली बात है। आप सिलेबस लीजिए, आपको फर्स्ट ईयर में ही मिल जाता है तीनों सालों का सिलेबस, एक ही बुक होती है उसकी। नहीं है तो एसओएल की वेबसाइट पे जाके उसे डाउनलोड कर लीजिए अपने पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव कोर्सेज की, उसमें आपका लिखा होता है हर सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है, और उसमें आपको ये नहीं कि हर सब्जेक्ट में 40 चाहिए, ऑल ओवर आपको 40 चाहिए। अब सपोज आपने 5 में से 3 पेपर दिए ही नहीं, तो ऐसा नहीं होगा आप सेकंड ईयर में तब भी पहुंच गए, नहीं, फिर आप फेल हैं और आपको वो ईयर रिपीट करना पड़ेगा। आप सेकंड ईयर में सिर्फ तभी पहुंचेंगे जब आपकी ईआर आई होगी, अदरवाइज नहीं। आप लोग समझ चुके हैं, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे बच्चों की परेशानी थी, मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा आपको। फिर भी आपके कुछ क्वेरीज है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियोस के नीचे बताइए कि क्या आपकी परेशानी है, मैं उसे समझने की और सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और इससे बेटर वीडियो आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। मैं आपसे चाहूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे नहीं समझ में आएगा कि मेरी वीडियोस आप लोग पसंद कर रहे हैं या नहीं। ओके, सो अगेन थैंक यू वेरी मच। दिस इज सचिन बंसल फ्रॉम एसवेल अपडेट्स।